महाराष्ट्र रे पावर शो आज आसीब सुप्रीम कोर्ट को राय अन्यपटे गत राति शक्ति प्रदर्शन करिछंती शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस तीन दल विधायक ग्रांड हाथ होटेल रे एकाठी हो एकता देखाइछंती एकजुट हो रहिबाने समस्ते शपथ नेइछंती बैठक में आमे से 62 बोली बैनर देखा मिली होटेल रूम रे देखा मिली संविधान विशाल चित्र अर्थात परोक्ष में संविधान सुरक्षा कथा उठाई तीन दल यह अवसर में एनसीपी मुख्य शरद पवार बीजेपी को कटाक्ष करी गोआ कि मणिपुर नुहे महाराष्ट्र तीन दल पाखे संख्यागरिष्ठता ठू बे अधिक संख्या रही मिलित भाव एने निष्पत्ति शरद पवार कहते शिवसेना मुख्य उद्धव ठाकरे दृढ़ोक्ति प्रकाश कर शिवसेना कौन एवं समस्ते जानवे से कहते अन्यपटे गणतंत्र हत्या नहीं उठुवा अभोग पलट आक्रमण करजेपी बीजेपी सह मेट कर निर्वाचन लड़ता शिवसेना जितेबाला कांग्रेस आड़क हाथ बढ़ाऊ प्रकृत में गणतंत्र हत्या बोली बीजेपी पक्ष अनेपटे आज शिवसेना मुखपात्र सामने बीजेपी और राज्यपाल को कड़ा समालोचना कर राज्यपाल महोदय ने जो सरकार बनवाई है वो धोखे की सरकार है। अभी भी समय है बीजेपी के साथ कि वो अपनी इज्जत बचा लें, इस्तीफा दिला दें। अगर नहीं दिलाते हैं तो कल हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा और फ्लोर टेस्ट होगा, हम उनको परास्त करेंगे। तोड़ फोड़ पे अगर उतर आई बीजेपी तो हम भी उसका जवाब देंगे, बीजेपी के विधायक खाली कर देंगे। ये बस यही है कि कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सबका इंतजार है और कल संविधान दिवस भी है तो हमें पूरी उम्मीद है कि संविधान को सबसे ऊपर रखकर सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा संविधान को सबसे ऊपर रखकर देगा। जब आप कह रहे हैं 162 तो चुने हुए विधानसभा के सदस्य वहां 144 भी थे क्या, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप दे। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि जब विधानसभा के फ्लोर पर हम इस टेस्ट को जाएंगे तब उसको विश्वास मत हासिल करके हम जीत कर आएंगे, ये भी कहना चाहता हूं। अंत में फोटोग्राफर आपका, फोटो आपका, लेकिन इस रेस का फोटो फिनिश जीत हमारी होगी, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार।